भारत और ताजिकिस्तान के बीच अरसे से काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। ताजिकिस्तान की स्वाधीनता के 21 सालों के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते बहुत नजदीक हुए। वहां के राष्ट्रपति बीते सालों में 5 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। हाल में उपराष्ट्रपति के दौरे के पहले 2009 में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और उनके भी पहले 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे को ताजिकिस्तान ने बहुत महत्व दिया। वैसे भारत और ताजिकिस्तान गणराज्य के बीच राजनयिक रिश्ते 1992 में स्थापित हुए और मई 1994 में भारत ने दुशानबे में दूतावास खोला, जबकि ताजिकिस्तान ने दिल्ली में अपना दूतावास 2003 में खोला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमोन जब सितंबर 2012 में भारत आए तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। हमारे 300 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं मेडिकल, 50 लड़कियाँ हैं और उनसे मैंने बड़ी डिटेल में बातचीत करी लड़के लड़कियों से। इनफैक्ट वो इस विज़िट के लिए उन्होंने बहुत मदद करी, लेकिन वो लड़के लड़कियाँ आप 8-10 घंटे का टैक्सी का जर्नी करके काबुल पहुँचते हैं। अब यहाँ तो दुनिया समझती कि वहाँ तो खतरा ही खतरा है। मैंने लड़कियों से पूछा कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता, कहते सर कुछ नहीं है, वो लोग तो अफ़गानिस्तान में भी हमें जब वो कहते हिंदुस्तानी तो हमें प्रेम करते हैं। दुनिया के बहुत से जो बड़े पहाड़ हैं वो काराकोरम में हैं, पामीर को भी देखना परली तरफ, तो हम तो 30-35 मिनट वो पहाड़ देखते रहे। मेरे लिए तो वो ज़िंदगी का तजर्बा है, बाकी सब चीज़ पीछे रहेगी। वैसे तो नई दिल्ली से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे की दूरी उतनी ही है जितनी की मुंबई की।